एक्चुअली आई एम स्टूडेंट ऑफ रवि सर ऑडिट एंड ऑडिट इज अ थेरी सब्जेक्ट एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल अ थेरी सब्जेक्ट फॉर मी. वेरी ऑनेस्ट, मेरा ऑडिटिंग में इंटरेस्ट रवि सर की वजह से, मतलब आई हैव बीन लाइकिंग ऑडिट नाउ रियली. लाइक टीचिंग से रिलेटेड भी अगर देखते हैं तो ऑडिट जैसा थ्योरी सब्जेक्ट पूरा सर प्रैक्टिकल लाइफ से विजुअलाइज करके समझाते हैं, तो इट्स लाइक काफ़ी सारा इजी हो जाता है क्लासरूम में, कंसेप्ट बहुत सारे क्लियर हो जाते हैं और जो बच जाता है वो सर की बुक पूरा उसको सपोर्ट कर लेती है. लाइक सर से डाउट पूछने से पहले बुक रीड कर लेते तो सारे डाउट्स वहीं क्लियर हो जाते हैं. रिटेंशन प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, जरा आंसर लिखने में दिक्कत आती है, फिर भी सर रेक्टिफिकेशन कराते हैं. मतलब लेक्चर छूटने के बाद मैं आंसर दिखाने जाता हूँ तो सर बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या आना चाहिए और एग्जैक्टली स्टूडेंट कौन से मिस्टेक वगैरह करता है जनरली. ऐसा थिंक मैं रिविजन करा देते हैं जो पिछले क्लास में किया था, उससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो जाता है. उसके बाद क्लास खत्म होने के बाद शाम को वो ऑडियो रिविजन भेजते हैं और हर 3 दिन के बाद एक क्विज रहता है. सो आई गेस इन सबसे हमें मुझे सेल्फ स्टडी ज्यादा करना नहीं पड़ता. आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा है. एंड मेरा ऑडिट में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इनफैक्ट थ्योरी में है आंसर को लिखना. कॉन्सेप्ट पता है अगर आप लिख नहीं पा रहे तो क्या करेंगे. तो मैं बच्चों को डेली एवरी लेक्चर देखे तो होमवर्क जो मैं होमवर्क चेक करता हूँ और उसके बाद एवरी फ्राइडे देयर इज अ टेस्ट. अभी तक एक भी फ्राइडे ऐसा नहीं गया जहाँ पे हम लोगों ने टेस्ट नहीं ली और बच्चों को पेपर चेक करके मिलते. अफोर्डेबल प्राइस के साथ आई थिंक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलता है यहाँ पर. थैंक यू.